जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो प्रॉब्लम यहाँ लिखा है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसकी जो प्रॉब्लम है वह पहले ही आपको बताई जा चुकी है फिर भी मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईयर वन टू थ्री यानी पहला दूसरे साल का ईयर दिया गया है तीसरे साल का यानी थ्री ईयर्स का डाटा मौजूद है व्हीट कॉटन ऑयल ये तीन प्रकार की कॉमोडिटी है और जिसके यहाँ पर प्राइस दिए गए हैं और यह प्राइस जो दिया गया है यह प्राइस इस तरह से दिया गया है तो हमें जब हम इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव मेथड से करेंगे तो हम पहले व्हीट का तीन साल का टोटल करेंगे और तीन से डिवाइड करेंगे इसका एवरेज पता चल जाएगा ऐसे ही कॉटन का करेंगे ऐसे ही ऑयल का करेंगे लेकिन ये जो पैटर्न लिखा हुआ है इस पैटर्न को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे ये जो ईयर है वन टू थ्री इसको हम यहाँ लिखेंगे वन टू थ्री और जो ये व्हीट कॉटन ऑयल है उस कॉमोनिटी को हम इधर लिखेंगे व्हीट कॉटन ऑयल के नाम से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कॉमोडिटी यहाँ लिखा जाएगा व्हीट कॉटन और ऑयल ऐसे लिखेंगे और वन टू थ्री इयर्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर हम तीन साल का व्हीट का टोटल यहाँ लिखेंगे और थ्री से इसको डिवाइड करके जो एवरेज आएगा यहाँ लिख करके इसी को ही हम इन सब का आधार बना लेंगे तो आइए पहले इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर देखेंगे व्हीट का हंड्रेड नाइन्टी नाइन्टी नाइन ये तीन साल का है इसको ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले साल का हंड्रेड फिर नाइन्टी और फिर नाइन्टी नाइन और इनका जो टोटल है टू एट्टी नाइन होगा और टू एट्टी नाइन को अगर हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री थ्री होगा यह बेस होगा अब हम देखेंगे कॉटन का तो कॉटन का देखेंगे तीन साल का पच्चीस बीस पंद्रह पच्चीस बीस पंद्रह और इनका तीनों का जो टोटल है वो सिक्सटी होता है यानी साठ इसको भी हम तीन से डिवाइड करेंगे तो ये होता है ट्वेंटी ध्यान से देखते रहिए और इसके बाद ऑयल ऑयल को हमने देखा है तीस पच्चीस बीस है थर्टी ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी इनका टोटल हुआ सेवेंटी फाइव अगर सेवेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड करते हैं तो ट्वेंटी फाइव इसका बेस होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर अब मौजूद है कंप्लीट अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एवरेज निकाला है अब हम इंडेक्स नंबर की जब कैलकुलेशन करेंगे तो अगले पार्ट में आ जाते हैं इंडेक्स नंबर इसके लिए वही प्रोसीजर होगा सारा परंतु थोड़ी सी जगह दे देंगे ताकि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें इस तरह से और यहाँ पर कॉमोडिटी होगी अगर किसी सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत विधिवत अगर सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से तभी आप अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और तब आपका सॉल्यूशन अच्छा माना जाएगा और यदि आप प्रेजेंट करने में फेल हुए तो उसका प्रेजेंटेशन ही उसकी जान है जबकि प्रेजेंटेशन आपका बेकार हो गया तो बेकार ही रहेगा अब हम दिखाते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इन तीनों के यानी 100 और 90 और 99 के अपोन में 96.33 को रखेंगे और इन टू हंड्रेड करेंगे सौ नब्बे निन्यानबे ध्यान से देखिए सौ नब्बे और 99 इन सब को सौ से मल्टीप्लाई और 96.33 से डिवाइड करेंगे इसको भी वही करेंगे ध्यान से देखेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी इजी हो जाएगी यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर हम 96.33 से डिवाइड करें तो हमें 103.81 प्राप्त होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 96.33 से डिवाइड करें तो हमें 93.43 प्राप्त होगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 96.33 से डिवाइड करें तो 102.77 प्राप्त होगा इसी प्रकार से हम कॉटन का करेंगे और इन सब को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका एवरेज 20 है तो सबसे पहले नंबर पे 25 फाइव इंटू अपॉन ट्वेंटी इसके बाद ट्वेंटी इंटू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फिफ्टीन इंटू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका वन ट्वेंटी फाइव इसका हंड्रेड और इसका सेवेंटी फाइव प्राप्त होगा इस प्रकार से अब ऑयल का भी हम कैलकुलेट करेंगे तीस पच्चीस बीस यानी कि थर्टी इंटू हंड्रेड अपौन इसका एवरेज ट्वेंटी फाइव है जो कि यहाँ पे मौजूद है तो सबके अपौन में इन तीनों के अपौन में ट्वेंटी फाइव लिखा जाएगा और इंटू हंड्रेड होगा ट्वेंटी फाइव और पच्चीस इंटू हंड्रेड अपन ट्वेंटी फाइव यानी कि पच्चीस ट्वेंटी इंटू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव इसको सॉल्व करके एट्टी प्राप्त हुआ इसको सॉल्व करके हंड्रेड प्राप्त हुआ और इसको सॉल्व करके वन ट्वेंटी प्राप्त हुआ अब हम इन तीनों को जो थ्री इयर्स के लिखे गए हैं इनको ऐड करेंगे यानी इन तीनों को पहले आप फर्स्ट ईयर को ऐड करिए ध्यान से देखिए पहले साल को ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो अगर इसका तीनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमारे सामने रिस्पॉन्स रिजल्ट आता है यहाँ लिख देते हैं पहले टोटल फिर यहाँ लिखेंगे इसका टोटल तीन आएगा तो जब हम यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखेंगे इंडेक्स नंबर तो इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीन आइटम्स यहाँ पे है व्हीट कॉटन ऑयल अगर चार आइटम होता तो हम चार से डिवाइड करते थ्री से डिवाइड करके वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट टू सेवन फर्स्ट ईयर का अब हम पहुँचते हैं सेकेंड ईयर इसका जो टोटल है टू नाइन्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री है इसको हम डिवाइड करेंगे टू नाइन्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री को थ्री से तो इसको डिवाइड करके जो हमें मिलता है वो मिलता है सतानवे पॉइंट इक्यासी यानी एट वन यानी सत्तानवे गलत मैंने लिख दिया है ये है नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन पॉइंट एट वन ये है हमारा दूसरे साल का इंडेक्स थर्ड ईयर का टोटल करेंगे पहले दो सौ सत्तावन पॉइंट सेवन सेवन इंडेक्स नंबर निकालने के लिए टू फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन सेवन अपॉन थ्री करेंगे तो जो रिस्पांस आएगा रिजल्ट आएगा एट्टी नाइन पॉइंट नाइन टू ये हमारा आंसर है इसको अगर आप आंसर मैच करेंगे तो यही आंसर होगा तो हमारा इंडेक्स का जो आंसर है वो ये है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर तो आपने देखा इसकी स्टेप्स को कैसे सबसे पहले फॉलो किया गया इसको ध्यान देंगे सवाल बनाने के लिए देखो पहले क्वेश्चन को बनाना बनाना बहुत ज़रूरी है देखिए क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा हुआ दिया गया है इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे बनाया ऐसे बना के हमने टोटल करके एवरेज निकाल लिया फिर इस एवरेज को हमने यहाँ नीचे सबके अपोन में डाल के इन हंड्रेड करते चले गए ये हमारे इंडेक्स नंबर निकल का है सबका अलग अलग अब क्योंकि हमें ईयर वाइज हमें देना होगा एग्रीगेट करके तो हमने टोटल किया टोटल करके फिर तीन आइटम है तीन से यानी थ्री से डिवाइड किया तो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पर लास्ट में प्राप्त हुआ तो आपने देखा हार्ड क्वेश्चन को भी हमने आसान बना दिया है और इसकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बना सकती है यदि आप सोचें कि हमने देखा हमारी समझ में आ गया और हम विद्वान बन गए तो यह संभव नहीं है इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी किताब ले करके सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे यदि प्रैक्टिस आपने दो बार की या एक बार भी मन से कर लिया तो यह सवाल बिल्कुल पूरी तरह आपको दिमाग में बैठने में कोई देरी नहीं लगाएगा और आप बिल्कुल सेट कर लेंगे अपने माइंड में तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो जो कि आपके काम की होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी बने रहिए अंत तक वीडियो जरूर देखा कीजिए स्किप बिल्कुल ना करें नहीं तो पता नहीं कहाँ पे कौन सा ट्रिक्स आपके माइंड से खिसक जाए इसलिए ध्यान से वीडियो देखा कीजिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप इसको अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करेंगे यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे चैन बेस इंडेक्स नंबर यह महत्वपूर्ण है बहुत सारे बच्चों की इस प्रॉब्लम पर बहुत क्वेरीज है तो यहाँ पर जो कि अभी आपने प्रश्न देखा जो प्रॉब्लम आपने अभी अभी देखी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन में लिखा गया है ख़ास तौर पर कि इसका चैन बेस इंडेक्स बनाइए और इसको चैंड कीजिए 1997 से तो 97 में आप प्राइस देख रहे हैं रूपीज़ में ये सारे प्राइस लिखे गए हैं और जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल हो वैसे का वैसे ही मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों ही लिख दिया है अंतर इतना ही है कि मैंने जो बुक में दिया है यानी जो क्वेरी है हमारी वह यहाँ लिखा गया तो हमने उसके लिए स्पेशली उनके जो है खाने बना दिए हैं उनके कॉलम्स को अलग मैंने लिख दिया है ताकि जब कैलकुलेशन शुरू की जाए तो आपको आसानी से पता चल जाए जो 1997 बेस ईयर होता है वह हमेशा उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वह सौ होता है हम यहाँ पर सौ क्यों लिख रहे हैं क्योंकि फाइव का बेस फाइव ही है यानी फाइव अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड तो फाइव फाइव कटेगा तो क्या बचेगा हंड्रेड ऐसे ही ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व इंटू हंड्रेड तो हंड्रेड बचेगा ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड तो यहाँ पर हंड्रेड ही बचेगा लेकिन इसके लिए नाइन्टी सेवन को हम बेस बनाएंगे तो किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी ध्यान से देखिए एट इंटू हंड्रेड अपॉन में लिखेंगे फाइव को और जो यहाँ पर निकल के आएगा वह हाँ 160 प्राप्त होगा ऐसे ही 15, यानी चैन बेस इंडेक्स में हम पिछले साल वाले को अपोन में डालते हैं 15 इंटू हंड्रेड अपोन ट्वेल्व करेंगे यहाँ पर और इस प्रकार से इसका 125 आएगा यहाँ पर 26 सिक्स इंटू अपोन में 20 आएगा तो इसको सॉल्व करके वन थर्टी प्राप्त होगा और आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे ट्वेल्व के लिए तो ट्वेल्व इंटू हंड्रेड अपौन में इससे पहले वाला ईयर क्या है नाइन्टी एट तो इसका क्या नंबर है एट तब तो की बार हम यहाँ एट लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन होगा वन फिफ्टी यहाँ पर लिखेंगे ट्वेंटी वन इंटू हंड्रेड में फिफ्टीन करेंगे और इसका सोल्व करके जो नंबर आएगा वह कितना प्राप्त होगा 140 और यहाँ पर 26 सिक्स इंटू हंड्रेड अपोन ट्वेंटी तो इसका तो 100 ही होगा इसके बाद नाइन टू थाउजेंड का पहुँच जाते हैं 21 वन इंटू हंड्रेड अपोन में 12 लेंगे क्योंकि इससे पहले जस्ट पहले वाले ईयर को हमें आधार मानना होगा तो इसको सोल्व करके वन सेवेंटी फाइव एक सौ पिछहत्तर प्राप्त हुआ यहाँ पर भी ट्वेंटी वन इंटू हंड्रेड में ट्वेंटी वन होगा तो ये तो दोनों कट जाएगा तो हंड्रेड ही बचेगा यहाँ पर थर्टी नाइन इंटू हंड्रेड अपोन में ट्वेंटी सिक्स होगा तो इसको सोल्व करेंगे तो वन फिफ्टी प्राप्त होगा इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर हमने सबका इंडेक्स नंबर चेंड कर लिया यानी कि इसके पहले वाले ईयर से इनका चैनिंग कर लिया यानी कि इनको श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया है अगला स्टेप इसका क्या होगा अगला स्टेप होगा इसका आप टोटल करिए इसका जो टोटल है वो थ्री हंड्रेड होगा और इसका अगर टोटल करेंगे तो ये होगा फोर हंड्रेड फिफ्टीन और इसका टोटल करेंगे तो ये होगा थ्री नाइन्टी और इसका टोटल करेंगे तो ये होगा 425 लास्ट वाला अब हम इसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर हमने यहाँ लिखा है तो ये तीन आइटम है ए बी सी इसको तीन से यानी थ्री से डिवाइड कर दीजिए थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री ये हंड्रेड हो गया फोर हंड्रेड फिफ्टीन अपॉन थ्री तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वन थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री हो गया थ्री नाइन्टी को अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये वन थर्टी होगा एक सौ तीस और चार सौ पच्चीस को यदि थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये 141.67 प्राप्त होगा ये चैन बेस इंडेक्स नंबर आया लेकिन उन्होंने कहा है कि 1997 को एज ए बेस मान के आपको चैन बेस बनाना है ये चैन बेस बना तो लेकिन 1997 को बेस मान के अभी नहीं बना है अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चैन बेस इंडेक्स चैंड टू नाइन्टीन नाइन्टी सेवन इस बात का ध्यान रखेंगे इसको लिखना जरूरी है यानी इसको बेस मानना है 1997 नाइन्टी सेवन को तो जिसको बेस मानते हैं उसका तो सौ ही रहेगा इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है अब इसको ध्यान देंगे यही बेस लेना है हंड्रेड को ऐसे इसको चैन करना इस तरह जो यहाँ आंसर आता रहेगा इधर वाले से मल्टीप्लाई करनी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है इससे डिवाइड करना है अर्थात वन थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री हंड्रेड अपोन में ये हंड्रेड रहेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ये ध्यान रखेंगे और डिवाइड में इसको रखना है हर बार तो इसका तो वन थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री ही आएगा अब इसका देखते हैं वन थर्टी इससे मल्टीप्लाई होगी वन थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री में हंड्रेड यानी इसी को ही अपॉन में रखना है इस बात का ध्यान रखेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करने के बाद वन सेवेंटी नाइन पॉइंट एट थ्री प्राप्त होता है और लास्ट में ऐसे ही इसका करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी वन फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सेवन अपॉन हंड्रेड तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो टू फिफ्टी फोर यानी दो सौ चौवन पॉइंट सेवन सेवन प्राप्त होगा यहाँ पर अब चैन बेस इंडेक्स नंबर नाइनटीन नाइन्टी सेवन को बेस मान करके कंप्लीट किया गया है तो आपने यहाँ पर देखा चैन बेस इंडेक्स नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये और ही बहुत मतलब कहने का कि ये ज़्यादातर बच्चों की बहुत ज़बरदस्त क्वेरीज भी रही है बच्चे इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिमांड भी करते हैं कि सर चैन बेस इंडेक्स नंबर थोड़ा सा क्लियर कीजिए तो आज आपके सामने पूरी तरह से यह क्वेश्चन क्लियरड हुआ है और अच्छी तरह से हमने इसके एक एक, -एक स्टेप्स को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहेंगे फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो जो आपके काम की महत्वपूर्ण होगी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत